दोस्तों, हिंदी फिल्म के सुपरस्टार धर्म जी यानी धर्मेंद्र ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपनी गरीबी के चमर पर थे। बॉलीवुड में अपना भाग्य अजमाने धर्मेंद्र तो चले आए थे, लेकिन उनको गरीबी का एक साल तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र को कई बार ऐसा लगता था कि उनका सपना पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कई रातें वह न केवल भूखे रहकर बिताए थे बल्कि उनके पास रहने के लिए रेलवे क्वार्टर की बालकोनी ही थी। धर्मेंद्र ने अपने स्ट्रगल के दिनों की बात एक इंटरव्यू में बताई थी। दोस्तों, धर्मेंद्र को मुंबई आने का मौका फिल्म फेयर ने दिया था। फिल्म फेयर के कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र सेलेक्ट हुए थे। इस सिलेक्शन के बाद धर्मेंद्र मुंबई तो आ गए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना और रहना तक कर पाते। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि उनके साथ उनका एक दोस्त भी पंजाब से आया था। दोनों ने रहने के लिए रेलवे क्वार्टर की बालकनी किराए पर ली थी। इस बालकनी में रात के सोने के लिए उन्हें मिलता था। धर्मेंद्र ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया था कि रहने के लिए जगह तो मिली थी, लेकिन कई बार वह दोनों बिना खाए ही सो जाते। दोस्तों, धर्मेंद्र ने बताया कि करीब एक साल बाद उन्हें 1960 में अर्जुन हिंगरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यूट करने का मौका मिला था। इसके बाद दिन उनके सुधरने लगे थे। दोस्तों, हमारे चैनल पे न्यू है तो नीचे लाल बटन के दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।